Hi, today we are going to learn B plus tree. B plus tree, if M order B plus tree is there, so it holds these conditions, these properties. In B plus tree, data is stored on leaf node only. जबकि B tree में हमने ये देखा था कि data जो है वो आपके root internal nodes पे भी exist करती है. जबकि B प्लस ट्री में डेटा आपका सिर्फ लीफ नोड पे एग्जिस्ट करेगा. ये सिमिलर टू योर बी ट्री, रूट हैज टू टू एम चिल्ड्रेन. इफ इट इज एम ऑर्डर, इट्स मीन एम पॉइंटर कैन बी क्रिएटेड और एम माइनस वन की विल एग्जिस्ट. इंटरनल नोड्स हैव एम बाई टू सीलिंग वैल्यू टू एम चिल्ड्रेन. ठीक है, यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं. दीज आर द कीज 20, 15, 5, 1, 3, 9, 2. And we have to arrange in into B plus tree. तो इसका order क्या है? 4 हमने assume किया है, तो m by 2 की value 2 होगी. तो 2, 2, 4 जो है हम internal nodes के जो children create कर सकते हैं. तो start with 20. तो 20 as it is आपने insert किया. 15 is lesser than 20, तो इसके left में होगा. जो B ट्री की सर्च ट्री की प्रॉपर्टी थी वो B प्लस ट्री में भी होल्ड करेगी. तो B ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी? K1 इज लेसर देन K2, ठीक है, सो ऑन अप टू KM माइनस 1. और K1 से जो लेसर है वो उसके लेफ्ट में जाएंगे और K1 से जो ग्रेटर है वो उसके राइट पॉइंटर में जाएंगे. एक चीज और एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, हमने यहां लिया है कि सारे जो डेटा होंगे वो लीफ पे होंगे. तो की को हमने क्या किया है कि इज लेस देन और इक्वल टू, तो वो लेफ्ट में जाएंगे. तो K1 का जैसे ये K1 के इक्वल टू एक वैल्यू जो है यहां स्टोर होगी. ठीक है, जो K1 यहां है वही यहां भी होगी. ये इसमें रिडंडेंसी होती है बट ये हमें इस तरीके से ही करना है. एजम्पशन आप राइट में भी ले सकते हैं कि K1 हमेशा राइट में. जो भी की आपके एबव है तो उसके अगर कोई चिल्ड्रन क्रिएट होती है तो वो वैल्यू भी आपके चाइल्ड में होनी चाहिए. तो 20 के बाद जब मैंने 15 ऐड किया, 15 इसके लेफ्ट में ऐड होगा. फिर 5 भी इसके लेफ्ट में ऐड होगा क्योंकि ऑर्डर क्या है, हम इसके 4 कीज इसमें ऐड कर सकते हैं. 5 भी इसके लेफ्ट में होगा. अब जब 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 1 जो है 5 के लेफ्ट में होना चाहिए बट ये ऑलरेडी फुल है. तो जब फुल है तो इसको स्प्लिट कर देंगे. तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे मीडियन वैल्यू पे तो सेकेंड वैल्यू 5 को अप ले जाएंगे. जैसे 1, ये जब आप यहां 1 ऐड करना चाहेंगे तो ये स्प्लिट होगा. तो 5 अप जाएगा और 5 के लेफ्ट में 1 और रिमेनिंग राइट में जाएगा. तो 5 इसके लेफ्ट में क्या आएगा? 1. और इसके राइट में क्या जाएगा? 15 एंड 20. बट हमने क्या कहा था कि अगर जो की रहती है तो जब वो उसका चाइल्ड क्रिएट होता है तो उसके राइट मोस्ट प्लेस पे भी वो की एग्जिस्ट करेगी. तो 5 जो है यहां भी हम ऐड करेंगे. ठीक है, अब नाउ 3 हमें ऐड करना है. तो 3 क्या है? 3 5 से लेसर है और 1 से ग्रेटर है. तो 3 आप यहां ऐड कर सकते हो. तो मैंने इसको 3 कर दिया, ये 1. 9 5 से ग्रेटर है और 15 से लेसर है तो 9 यहां ऐड हो सकता है. 2, अब जब आप 2 ऐड करना है तो 2 जो है 1 के बाद ऐड होगा. तो 1 और 3 के बीच में आपका कहीं 2 एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या होगा, जब 4 एलिमेंट्स होंगे तो ये इस एक्सीड कर जाएंगे ऑर्डर को, तो इसको ये स्प्लिट होगा. तो 2 जो है आपका ऊपर आ जाएगा. तो जब 2 ऊपर आएगा तो 2 इसके साथ अटैच हो जाएगा 5 के साथ. ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में क्या है? 1. 1 इसके लेफ्ट में होगा क्योंकि यहां भी 2 होना चाहिए ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. फिर 2 के राइट में क्या होगा? 2 की राइट में आपका 3, 5. ठीक है, 3, 5. और 5 के राइट में क्या होगा? 9, 15 एंड 20. तो ये B प्लस ट्री है. इंपॉर्टेंट पॉइंट B प्लस ट्री में क्या है कि ये जो लीफ है, लीफ जो है जो की होल्ड करती हैं, इनसे ही एसोसिएटेड आपका डेटा होगा.
ठीक है। तो सारी बुक्स में जो है ये की इंफॉर्मेशन रहती है, तो डेटा जो है आपका इनसे एसोसिएटेड रहेगा, जबकि बी ट्री में जो भी कीज आप क्रिएट करते हो उसके साथ डेटा एसोसिएटेड रहता है। बी प्लस ट्री में एडवांटेज क्या है कि अगर आप इसमें बहुत सारे डेटा आप स्टोर करना चाहें तो इजिली इन कंपेयर टू बी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉबैक यह है कि इसमें रिडंडेंसी ऑफ की ईच लेवल पे आप फाइंड करेंगे, जबकि बी ट्री में कोई भी रिडंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस इज अ बी प्लस ट्री। थैंक यू।